नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेटअप चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो 1986 से लेकर 2016 तक के जो रिटायरमेंट पेंशन भोगी हैं उनके लिए है और बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, 1986 से लेकर 2016 के पहले जो भी रिटायरमेंट कर्मी हैं, जो भी जो है सेनावृत्त हैं, वैसे रिटायरमेंट सैनिकों को PPO में जो है पत्नियों के नाम एवं जन्मतिथि में जो है पूर्ण रूप से अंकित नहीं रहे, ठीक है। यानी उनका डेट ऑफ बर्थ या फिर उनके पत्नियों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में जो है उनका सिर्फ जो है साल जो है वहाँ पर अंकित है या दिया गया है। तो ऐसे में उन सभी रिटायरमेंट सैनिकों को अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने पत्नियों के नाम और डेट ऑफ बर्थ को जो है जो कि आपका डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है उसे एक बार आप लोग जो है देख लीजिए, अगर गलत है या फिर अच्छा से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसे जो है जल्द से जल्द जो है आप लोग सुधरवा लीजिए, उसमें लिखवा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आने वाले दिन में आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के PPO से संबंधित ये अपडेट है।